गुड इवनिंग दोस्तों। कल की तरह आज भी मैं कुट्टा लेने के लिए आया हूँ और ये मैंने साइकिल खड़ी कर दी है और कट्टा उधर डाल देते हैं ताकि कुट्टा वहाँ भरेंगे। उससे पहले मैं आपको मौसम के बारे में बता देता हूँ कि आज भी कल की तरह उतने ज़्यादा उमस नहीं है, लेकिन फिर भी उमस है। बारिश आने जैसी स्थिति बन भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि बादल वैसे ही हो रहे हैं अभी भी लगभग लगभग। मैं दिखाता हूँ आपको, इधर घुमा के देख लीजिए। मौसम परिवर्तनशील ज़रूर है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जो कल था, फिर भी है। और आज हम थोड़ा अंदर घूम के आ जाते हैं, तो चलिए अंदर घूम लेते हैं थोड़ा, बगीचे के अंदर थोड़ा बगीचे में घूम लेते हैं, क्योंकि एक हाथ संतरा खा लेते हैं, मुंह ख़राब हो रहा है अभी, थोड़ा कवड़ा कवड़ा मुंह हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। तो मौसम के इफ़ेक्ट की वजह से थोड़ा संतरा खा लेते हैं एक दो, तो मुंह थोड़ा साफ़ हो जाएगा। चलते हैं अंदर, तो चलते हुए शूट करते हैं। मौसम में आज थोड़ा बदलाव ज़रूर है, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं है। शाम के टाइम फिर वही उमस वाले सिस्टम बन रहा है और बारिश आ भी सकती है और नहीं भी। अवगत करा देता हूँ मैं मौसम से हमारे यहाँ पर, हमारे गांव के आसपास। क्योंकि इस तरह के व्लॉग में बनाता ही रहता हूँ, ये तो आपको पता ही होगा, अपडेटिंग। तो थोड़ा सा दिखा देते हैं, शाम के टाइम मैं कुट्टा लेने के लिए आया हूँ यहाँ पर, थोड़ा घुमा के दिखा देते हैं गार्डन के अंदर, बगीचे के अंदर। संतरे का बगीचा है, ये तो आपको पता ही होगा, और इसको संतरे कम आए हैं लेकिन खाने इतने हैं। तो थोड़ा मुंह साफ हो जाएगा एक दो अगर अच्छे पके हुए मिल गए तो। देखते हैं पके हुए है कि नहीं। धनिया तो पूरी तरह से जल गया था, तो पता ही आपको दिख रहा है, राकोड़ा जैसा राकोड़िया बन गया एकदम, ये देख लीजिए, उसी टाइम पर जल गया था। और भी अभी दो चार दिन पहले ठंड गिरी थी ना, उससे हो गया इसका तो काम तमाम। तो ये तो कुछ फ़ायदा ज़्यादा देने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी इसको अवेयरना तो पड़ेगा। तो आपको कल भी बताया था, मैंने आज भी बता रहा हूँ, जब तक निकलेगा तब तक बताता ही रहूँगा, क्योंकि ये तो रोना रोना ही है। खर्चा ज़्यादा और प्रॉफिट कम, वजन से मजीरे मोंगे पड़ रहे हैं, पर क्या करें यार, करना पड़ता है, एग्रीकल्चर का काम है। चलिए ठीक है, जो भी है, अभी थोड़े संतरे देख लेते हैं। देखिए कहाँ पर है, मुँह साफ कर लेते हैं यार थोड़ा, ये हैं लेकिन कच्चे हैं अभी, पके हुए खाते हैं थोड़े अच्छे से। अंदर चलते हैं और पके हुए खाते हैं, देखिए देखते हैं, थोड़ी मटर खा लेते हैं, इससे भी पौष्टिक रहती है। और लाभदायक भी है, थोड़ी थोड़ी चीज़ सब खानी चाहिए, डाइट बैलेंस एकदम प्रॉपरली हेल्दी होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, कम्प्लीटली बैलेंस होना चाहिए, ताकि आपका जो डाइजेस्ट है वो ठीक साथ चलता रहे। देख लेते हैं यहाँ पर लग रही है, शायद मेरे को से लगता है कुछ लाल कलर की दिख जाए तो खाने का मज़ा है, वरना खाने में कुछ फ़ायदा नहीं, मज़ा नहीं आता है ना। हाँ ये है, लेकिन इतनी लाल नहीं है यार, मुझे और भी लाल चाहिए। तो क्या किया जाए, अब थोड़ी और लाल चाहिए मेरे को, इधर है थोड़ी लाल, देख लेते हैं। ये वाली दिख रही है कि आपको लाल दिखे, थोड़ी थोड़ी लाल है, लेकिन वो थोड़ी अटपटी दिख रही है यार। चलो खा लेते हैं यार, मुँह ही तो साफ करना, और कहाँ का हमको भारी भरकम ये करना है ना। आप भी आइए कभी। चलिए वाला खा लेते हैं यार, ये ठीक है क्या ये वाला, चलो ट्राई कर लेते हैं कैसा लगता है। ठीक है, वैसे मज़ा आ जाएगा खाने का। तो
एक से कुछ नहीं होगा यार, एक से क्या होगा यार, पानी जैसे तो होते ही है। ओह यस, अंदर है यार, बहुत जबरदस्त। अंदर से निकालता हूँ मैं ये, यहाँ पर अंदर है, अंदर की तरफ ये, यहाँ पर निकालता हूँ ये। अंदर चुपके से लग रहे थे ना, वो बहुत जबरदस्त होते हैं। और लाता हूँ मैं अंदर से निकाल के, वो बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट होते हैं। देखना मैं अंदर से लाता हूँ एक, और ये यहाँ पर है, इसके अंदर ये यहाँ पर लग रहा है, यहाँ झकास। ये बहुत जगह टेस्टी, एकदम परफेक्ट। इसको परफेक्ट संतरा बोल सकते हैं, बहुत है ना। चलिए अब खा के दिखा देते हैं थोड़ा कैसे खाना है, खाना और फिर सगड़ा निकालना दिखाते हैं। तो खाने के लिए अपन चलते हैं, वहीं पर खाएंगे ना। चलिए चलो, संतरा खाने से पहले एंड में मैं ये बता देता हूँ आपको इस वीडियो में कि मौसम इफेक्ट डाल रहा है, बारिश आ सकती है ऐसा लग रहा है मुझे। डोंट फॉरगेट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस इन दिस बेल आइकॉन सो मोर देन मोर वीडियो यू वॉचिंग फॉर दिस चैनल, सो लाइक इट, यू नो, कर दो यार लाइक, क्या बिगड़ रहा है आपका। और सब्सक्राइब भी कर लो यार, थोड़ा एंटरटेनमेंट किया करो यार, क्या बोरिंग से रहते हो। रोजड़े की आवाज़ आ रही थी उधर से एकदम से, मैंने कहा कि वो सिचुएशन क्रिएट तो नहीं हो रही है। चलिए जल्दी से चलते यार, लेट हो रहे यार भाई, फटाफट निकल लेते वरना पीछे से कोई रोजड़ा आ गया है तो 12 बजा देगा अपनी। डोंट फॉरगेट यू लाइक दिस चैनल, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। अब मैं आपको संतरा खा के दिखाने वाला हूँ, चलिए ठीक है। ये साइकिल आ गई है और अब मैं आपको संतरा खा के दिखाने वाला हूँ, तो लाइक ज़रूर करें इस संतरे खाने के लिए। संतरा खा के सवाल है। गिल गिल पाशा तुम मेरे राजा, 1 2 9।